हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आशादीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पावटी रोड, स्मालखा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज सी ऑफ चैप्टर 2, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 5th। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच इज दिस टर्म इज लेस देन बाय दिस गिवन टर्म। सो first of all you will have to read this number. How you can read this number? With the help of place value chart. So read this number, 64,37,859. Similar second term is 70,16,418. Simply you can subtract this term, you will get your answer. Clear? Isme aapko simple minus karna hai. Next question, this is also similar to that question. फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आपको बस इनमें माइनस करना है। इस टर्म में भी माइनस एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल डू माइनस। सो क्या मीनिंग है इसका, हाउ मच बाय हाउ मच डज दिस नंबर इज एग्जिट बाय दिस नंबर। सो ये जो नंबर दिया है वो पहले वाले नंबर से कितना बड़ा हो रहा है वो नंबर उससे, ठीक है। क्या मतलब है इस नंबर का, जो 71,02,340 है वो इस 68,24,572 से कितना बड़ा है। सो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू माइनस दिस टू टर्म्स, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस गिवन नंबर टू मेक दिस 61,64,324 को हम क्या ऐड करें इस नंबर में कि हमें क्या मिल जाए, 65,78,469। सो यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट टर्म फ्रॉम द लार्जेस्ट टर्म, यू विल गेट योर आंसर। जो भी आपका आंसर आएगा वही टर्म आपको स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड करनी है ताकि आपको लार्जेस्ट नंबर मिल सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर That can be formed using the digit they are given. जो भी ये number given है ना, इनको form इनसे ही आपको greatest number form करना है and also form the smallest number by using this given digits. So the smallest the greatest number by using this given digit is this 9,75,420 and the smallest number is 2,44,579. So these two terms are to be formed and the difference is this, you will have to minus these two terms, you will get your answer. Simple. Question number 5 is similar to the previous question. Question number 4, you will do this question by yourself. Question number 6, what is the question? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए का। क्वेश्चन नंबर 6 सेम बिल्कुल डिजिट्स हैं, सेम बिल्कुल स्टेटमेंट है। सो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करोगे, जिसको खुद से समझ नहीं आया वो एक्सरसाइज ए में जाके इस क्वेश्चन को समझ सकता है। क्लियर? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस हाउ मच। यस, रीड दिस नंबर, 3,16,04,050। इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। देखो मैंने आपको 50 सम दे दिया, टू डिजिट्स का 50 सम है और मैं बोल रही हूँ, मैं आपको ऐसे स्टेटमेंट देती हूँ, इफ द सम ऑफ द टू डिजिट इज 50, इफ वन डिजिट इज 15, फाइंड द अदर। अगर एक डिजिट उसमें से 15 है तो दूसरी डिजिट कितनी होगी। सिंपल, यू कैन माइनस 15 फ्रॉम 50, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? सो इसमें भी आपको क्या करना है, मैंने इसको पूरे मेथड के साथ करवाया है। ये मेथड आप क्लास 7th 8th में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वहाँ तक भी ये एप्लीकेबल होगा। बट यू आर इन 6th स्टैंडर्ड नाउ, सो आपको क्या चीज़ माइंड में रखनी है, सिंपल कीप दिस थिंग इन योर माइंड, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करनी है। सिंपल, जो भी सम दिया हुआ है उसमें से आपको स्मॉलेस्ट, अगर ये किसी को मेथड समझ आता है सो इट्स ओके, वो बिल्कुल ऐसे कर सकता है। बिल्कुल अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। 4 उसको तभी मिल जाएंगे जब वो सिंपल ये करता है, ठीक है। सो इट्स योर चॉइस कि आप उस क्वेश्चन को कैसा करते हो। नेक्स्ट है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस दिस पिलोज इन अ पर्टिकुलर ईयर एंड दिस पिलो इन फॉलोइंग ईयर्स, फाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन पिलोज। अब एक कंपनी है वो पिलो मतलब तकिए बनाती है, ठीक है,
एक ईयर में वो कितने बना रही है, 53,65,129, एंड नेक्स्ट में वो बना रही है 60,01,016। तो वो कह रहे हैं कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, फाइंड द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन में ज़्यादा हुआ है। मतलब पहले मान लो कोई कंपनी 100 चीज़ें बना रही थी, अगले ईयर उसने 150 बना दी, 150, तो कितना इंक्रीज हुआ है, कैसे निकालोगे, 150 माइनस 100। सो इसमें भी क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू में से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल, क्लियर। सो आई होप दिस ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, क्लियर, बिकॉज दे आर ओनली माइनस माइनस आप ट्वेल्थ सॉरी सेकेंड में भी सीख के आए, थर्ड में भी सीख के आए, क्लियर। सो दिस इज़ वेरी ईजी, keep practice and prepare your notebooks with blue and black gel pen. Thank you, have a great day ahead, stay safe, stay healthy, thanks a lot.